यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले क्राइटेरिया हुआ करता था जेई मेंस में कि आपको किसी भी तरह से 75% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आपको एग्जामिनेशन में बैठना है जेई मेन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट करके उस क्राइटेरिया को पूरी तरीके से हटा दिया गया है इस साल के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेई मेन 2020 के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। इसमें इन्होंने लिखा है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए पास क्लास 12th, मतलब कि जिन्होंने भी 12वीं पास करी है वो सारे ही बच्चे अब आसानी से अपना पेपर दे पाएंगे जेई मेंस का और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर आपके पास 12th पास की मार्कशीट है तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और इसका इफेक्ट हमें डायरेक्ट कट ऑफ पे और कंपटीशन पे देखने मिलेगा, क्योंकि इस साल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। ऑलरेडी आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल गया था पोस्टपोन्ड और इन सब चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था, तो ऑलरेडी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। उसी के साथ साथ अब यह निर्णय भी आ चुका है कि 50% वाला बच्चा भी दे सकता है और 90% वाला बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसके कारण कुछ लोग तो ऐड होंगे जो कि मेरिट लिस्ट में अभी तक नहीं आ रहे थे, पर अब इस क्राइटेरिया के कारण वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो मेरिट लिस्ट और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई में अब जुट जाइए क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।